हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुकिंग जोन। आज मैं हरे रंग की नमकीन सेव बनाने जा रही हूँ। के लिए सबसे पहले मैं एक प्यूरी बनाऊंगी, जो कि 15-20 पत्ते लगभग पालक के, 1 कप पुदीना, 2 चम्मच लगभग धनिया पत्ती, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 3 हरी मिर्च। इस सब को हम मिला करके आपस में पीस लेंगे और फिर इसको हम छन्नी से छान लेंगे। इसको पीसने में बहुत ही कम पानी का प्रयोग करना है, लगभग 3 चम्मच पानी डाल करके इसको हम प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको प्यूरी बनाते हैं। ये प्यूरी तैयार हो गई है। अब मैं दूसरे बोल में 1 कप बेसन लूँगी, 2 चम्मच चावल का आटा, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिक्स करके इसी प्यूरी से इसको सानूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते जाएंगे प्यूरी को और इसको आटा को बनाते जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। ये मैंने बेसन को पेस्ट पर तैयार कर लिया है। अगर आपका इसको डो स्टिकी ही बनाना है, अगर आपका डो लगता है कि ज़्यादा पतला हो गया है तो थोड़ा और बेसन मिला लीजिए, और टाइट लगता है आपको तो आप थोड़ा सा और उसमें पानी मिला करके उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्टिकी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको टाइट नहीं चाहिए, ऐसा स्टिकी इस टाइप का। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, अब मैं इसे देखती हूँ। हाँ, अभी डो देखिए तैयार हो गया है मेरा। अब जो सेव बना लिए मशीन आती है ना, ये इस टाइप की, अब इसी में हम इसको डाल करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसको जो ऐसे महीन जाली आती है सेव बनाने वाली, इसको इसमें फिट कर देंगे। पहले इन सभी चीज़ों में हम तेल लगा लेंगे, जाली के ऊपर थोड़ा सा लगा लेंगे, थोड़ा सा इस मशीन के चारों तरफ अंदर लगा लेंगे, जिससे ये आसानी से निकलेगा। फिर हम इसको इसमें भर करके तलने का प्रोसेस आगे शुरू करेंगे। और हाथों में भी थोड़ा सा तेल लगा के पेस्ट को उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से भर लेंगे, फिर इसको ऊपर से बंद करके अब तलेंगे। अब गैस पे तेल चढ़ा दी मैं गर्म होने के लिए कढ़ाई में, अब उधर चलते हैं। तेल बढ़िया गर्म हो गया है, अब इसमें हम सेव छानना शुरू करेंगे। एक बार में जितना आता कढ़ाई में बस उतना डालेंगे, बस। इसमें आँच बहुत तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से बहुत जल्दी लाल हो जाएगा। लो मीडियम ही इसको रखना है, और जब नीचे से अच्छे से सीख जाएगा तब हम इसको फिर पलटेंगे। बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं इसको करना है कि इसका ग्रीन कलर ही नहीं पता चले, उस हिसाब से इसको हमको करना है। अच्छे से सीख जाए तब इसको हम पलटेंगे फिर। और ये सीखने में बहुत कुरकुरी होती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अब ये बढ़िया सीख गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह से बाकी और जो बचे हैं उसको भी हम तल के निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा तैयार हो गया पालक पुदीने धनिया पत्ती की नमकीन सेव। आप भी ऐसी बनाइए और सबको खिलाइए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये, और कुरकुरी होती है। ठंडे होने के बाद तो ये बहुत कुरकुरी हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, इसको आप
एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके महीनों रख सकते हैं। तो आप खाइए, खिलाइए, इंजॉय करिए, और कैसा लगा प्यारे प्यारे कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा।